नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत खेल महोत्सव का हुआ आयोजन। चेयर रेस में श्रीमती अंजना हरिबाबू शिवहरे एवं चम्मच रेस में श्रीमती किरण धर्मेंद्र वर्मा ने जीता प्रथम पुरस्कार। रस्साकसी में उपनेता प्रतिपक्षी रवि तोमर की टीम रही विजेता। ग्वालियर दिनांक 28 सितंबर 2024। नगर निगम ग्वालियर द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत बाल भवन के पार्क में पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पार्षदों ने चेयर रेस, चम्मच रेस एवं पुरुष पार्षदों ने रस्साकसी खेलों का आनंद लिया तथा विजेता खिलाड़ी पार्षदों को नगद पुरस्कार भी प्रदान किए गए एवं सभी को स्वच्छता एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। बाल भवन के पार्क में आयोजित स्वच्छता खेल महोत्सव के तहत आज आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पार्षदों के लिए दो खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें चेयर रेस में प्रथम श्रीमती अंजना हरिबाबू शिवहरे प्रथम रही, वहीं द्वितीय श्रीमती मंजू दिग्विजय राजपूत एवं तृतीय श्रीमती रेखा अनिल त्रिपाठी रहे। इसके साथ ही चम्मच रेस में प्रथम श्रीमती किरण धर्मेंद्र वर्मा, द्वितीय श्रीमती अंजना हरिबाबू शिवहरे एवं तृतीय श्रीमती रेखा अनिल त्रिपाठी रहे। वहीं पुरुष पार्षद गणों ने रस्सा कस्सी खींच कर खेल का आनंद लिया। रस्सा कस्सी में दो टीमें बनाई गई, जिसमें एक टीम नेता प्रतिपक्ष श्री हरिपाल के नेतृत्व में एवं दूसरी टीम उपनेता प्रतिपक्ष श्री रवि तोमर के नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें पार्षद श्री अनिल सांखला, श्री ब्रजेश श्रीनिवास दोनों ही टीमों ने खेल का आनंद लेते हुए रस्से को खींचा, जिसमें श्री रवि तोमर की टीम विजयी रही और 5100 रुपए का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी भी दी गई। दूसरे स्थान पर श्री हरिपाल की टीम रही, जिसे 3100 रुपए का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी दी गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री अमन वैष्णव, अपर आयुक्त श्री मुनेश सिंह सिकरवार, उपायुक्त खेल श्री सत्यपाल सिंह चौहान सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक नोडल अधिकारी खेल सुश्री विजेता चौहान एवं खेल प्रतियोगिताओं का संचालन सहायक खेल अधिकारी श्री अयोध्या शरण शर्मा एवं श्री जितेंद्र यादव एवं श्री नमन कौरव द्वारा किया गया। पार्षदगण, महिला पार्षद इसकी थी, वो एक चार इसमें इवेंट्स कराए जाएंगे और इसमें जो भी फर्स्ट विनर रहेगा, फर्स्ट विनर कैश प्राइज और ये इसलिए प्लान किया गया है ताकि एक इसके बाद समन्वय भी हो सके, इन्फॉर्मल चर्चाएं भी हो सके, बहुत सारे हम लोग के बीच में डिफरेंसेस भी रहते हैं, तो एक रखी गई है जिससे कि इन्फॉर्मल इन्फॉर्मल वगैरह जो भी थोड़ा माहौल भी लाइट होता है। सर, में आपने फर्स्ट विनर के रूप में रहे, कैसा लगा? जिस तरह के खेलों को किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि पार्षद उस अनुभव का फायदा मिला है आपको। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।